आज है मंडे, होने वाली है क्लासेज भी। इसके साथ साथ लड्डू रानी को स्कूल, सॉरी अनमोल को स्कूल पहुंचाने जा रही थी और मैं बोल रही लड्डू रानी को स्कूल पहुंचाने जा रही हूँ। तो आज लंच में क्या क्या बनाया हमने वो सब दिखाएंगे। और मैं जल्दी जल्दी मैंने लड्डू को दाल चावल खिलाई थी और उसके मुँह पर ही लगा रहेगी। और मैं दोपहर में जा रही थी वो रिसीव करने अनमोल को, तो वो वाली क्लिप थी। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग भिंडी का गर्मा गर्म सब भुजिया, जो कि मैंने सुबह सुबह जल्दबाजी में बनाया है और बढ़िया बन गया। और फिर मैं ना रोटी निकाल दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा पराठे क्यों नहीं बनाए तुमने अनमोल के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं अभी से मैं पराठे खाने की आदत नहीं डालूंगी अनमोल को, उसको मैं चुपचाप रोटी में घी लगा के दे दूंगी, रोटियां मुलायम ही रहेंगी। अनमोल आज मम्मी नहीं जाएगी, आज अनमोल अकेले जाएगा। बोतल तो ठीक से इसका बोतल पानी से बंद कर देंगे। मम्मी इसका बोतल पानी से नहीं बंद क्यों? बंद कर दिए। कहीं भी बंद है। आज अगर तो पानी पी लूँगा। नहीं गिरेगा, जाओ ना तुम। ये गाले में। अरे बाप रे, ये गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में। पहले गाले में इसमें आता पांच जगह का पचा कर। नहीं, छोटे गाड़ी में भी चलते हैं। कहते रहे इसमें सब फंस जाएगा उसका। बड़े गाड़ी में जाएगा। जाओ लेके आओ कपड़ा फट जाएगा। अरे पापा दे दो आगे, आगे दे दो। पापा बैग दे दो। क्या मम्मी डॉगी के साथ दौड़ेगी खेलेगी और क्या करेगी? मतलब तुम नहीं रहोगे घर पे तो हम डॉगी के फुसलाएंगे फैलाएंगे। जा बाय अनमोल, ऑल द बेस्ट अनमोल। नहीं नहीं मैं तो तुमसे ही खेलूंगी, तुम आ जाओगे तो। बाय। बस यहाँ से हम लोग अनमोल को भेजे और आज मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था, जैसे कि मुझे दाल चावल भुजिया सब रेडी करना था। इसके साथ साथ मेरे क्लासेस की भी टाइमिंग होने वाले थे और मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच सारे स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी अपने क्लासेस में। लेकिन दोपहर में लेने के लिए मुझे जाना पड़ा, तो सुबह वाली जैसे ही क्लास हो गई ना मेरी तो मैं निकल चली थी अनमोल को स्कूल से लेने के लिए। इसके साथ हम लोग एक और काम करेंगे, वो है रूम ढूंढने का काम, क्योंकि हमें देखना है हमारे काम के हिसाब से अलग से रूम, जिसमें कि मतलब जो भी हमारे काम के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए ना वो सब हमें अरेंज करना होगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करनी होगी। तो उसके लिए हम लोग निकल चले हैं और लड्डू को मैं ना दाल चावल खिला के लाई हूँ, उसके मुँह पर दाल चावल लगा हुआ रह गया और मैं वो यहाँ पर बैठ के अब साफ़ कर रही हूँ, बट गीला हो नहीं सकता कपड़ा वरना गीले करके साफ़ कर देती। और अनमोल कनिका में, अनमोल है बड़ा, कनिका है छोटी, तो इन लोगों को थोड़े बहुत ये वाली चीज़ें भी सिखानी होंगी कि बड़े की कैसे रिस्पेक्ट करनी है और किस तरह से रहना है। और ये सारी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि इनको एक ऐसा माहौल दिया जाए, और उस पर्पस से भी रूम लेना है मुझे और दूसरा अपने ज्वेलरी के पर्पस से लेना है, क्योंकि मेरे क्लासेज होंगी ऑब्वियसली अलग रूम में होंगी और अनमोल और कनिका को मेरे हस्बैंड ना फिर अलग रूम में ले जाके सुलाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास रूम्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ढूंढे बहुत ढूंढे बहुत ढूंढे और हम लोग इतने पसीने पसीने हो गए, इतने पसीने पसीने हो गए, मेरा पसीना दिख रहा है आप लोगों को। बट फिर वहाँ से हम लोग जल्दी से अनमोल को लेके आए घर और वहाँ की एक आध क्लिप लगता है कि मैंने उड़ा दी है। रुक के मैं ज़रा से एक बार और जाकर के यहाँ पे लगाती हूँ वहाँ की क्लिप। हाँ तो मैंने ना कुछ क्लिप्स यहाँ की गलती से उड़ा दिए थे और सीधे क्लास पे आ गई थी मैं, तो उससे पहले हम लोग गए थे गाड़ी यहाँ पे लगा के अनमोल को मैं रिसीव करने गई थी। फिर मुझे पता चला कल अनमोल के स्कूल में फंक्शन है और मुझे भी इनवाइट किया गया, तो मतलब मज़ा आने वाला है। कल मैं कैसे तैयार होकर जाने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, सब आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये रही हमारी लड्डू रानी, रूम सेलेक्ट करने में मदद करवा रही है, जैसे कि मेरे हस्बैंड कभी कभी उतर के जा रहे थे, कहीं कहीं मैं उतर के जा रही थी और अनमोल प्रणाम करे कि ये भगवान जी जल्दी से रूम ढूंढवा दो, और यहाँ पर लड्डू रानी भी बार बार इधर उधर देख रही थी। तो हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा सा खोज बीन करते हुए दिन में भी निकले थे, उसके बाद फिर शाम में भी निकलने वाले थे, लेकिन इस बीच में हमारी क्लास भी थी, मतलब मेरी क्लास भी थी और वो भी अटेंड करना है, उसके बाद फिर शाम में मेरी ना एडवांस क्लास है ज्वेलरी की वो भी है, तो ये सब कुछ मैनेज करना है और इसके साथ साथ रूम भी ढूंढना है और फिर शिफ्ट भी करना है। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। ये देख रहे हो आप लोग कैसे सामान फैलाया, आप लोग सोचो इस बीच में अगर मैं बच्चों को रखूँ यहाँ तो वो लोग कितना हड़दंग मचा दे, लेकिन दोनों बच्चों को अलग करके हस्बैंड ने जाके सुलाया है और मैं ये सब समेट के फिर मैं समेट चुकी थी, थोड़ा सा लेट ही थी क्योंकि बहुत थक चुकी थी, फिर मेरी क्लास थी, क्लास में फिर से मैं ज्वेलरी ही सिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो
एक इजी सा ब्रेसलेट की ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बट मैंने सुई पता नहीं किधर रख दिया, मिली नहीं रहा और मैं बैठी हूँ कि मैं शॉर्टकट मैं अपने जुगाड़ से करूँगी इस काम को। और उस जुगाड़ को करने के चक्कर में पता है मैंने क्या किया, तार लेकर के बैठी हूँ, इतना टाइम लगाया मैंने इसको करने में। मैं इससे अच्छा तो सुई ढूंढ लेती अपना कहाँ रखी हूँ वहाँ से निकाल के सारे काम कर लेती। बट मैं आप लोगों को इसके साथ ही बताना चाहती हूँ कि कई लोगों के मटेरियल्स मैं यहाँ से भेज चुकी हूँ, दो तीन दिन में पहुँचने वाले हैं, कुछ लोगों के एक दो दिन में करके पहुँचने वाले हैं। बाकी जिन्हें भी क्लास करनी है, मेरी अब तक की जितनी भी ज्वेलरी जो बेस्ट बनी है ना, उन सब के मटेरियल्स उस किट में रहेंगे। तो जिन्हें भी कोर्स करना है आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। लेकिन जो हमारी एडवांस क्लास है ना, उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको पहले बेसिक कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ पर सारे मटेरियल्स का और जो भी हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करेंगे ना, उसके मोस्टली मतलब कि करीब करीब ना सारे ही मटेरियल्स 99% में बताना चाहूँगी मटेरियल्स में सारी चीज़ें समझाऊँगी दिखाऊँगी। और वहाँ से जितनी चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी बाकी मैं उन्हीं सब चीज़ों का किट बना करके भेजूँगी, जो कि प्रॉपरली हर एक चीज़ का नाम लिखा होगा, हर एक चीज़ का यूज़ करने का अलग अलग किट होगा, जैसे कि मंगलसूत्र हो गए या फिर कुंदन नेकलेस सेट हो गए या फिर मेरी कॉडिशल वाली नेकलेस हो गई या फिर जो बहुत सारे ट्रेंड में मेरे गए थे कुंदन वाले सेट, उनके मटेरियल तो सबके ना अलग अलग से किट बना के रखेंगे। मेरी बीट्स ज्वेलरी सबको बहुत पसंद आई थी, जैसे कि दुर्गा माँ वाली थी, एक माँ वाली बनाई थी मैंने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से कस्टमाइजेशन भी कराए, ब्रेसलेट्स हैं तो ये सब के मटेरियल्स रहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कान्हा की ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब मैं यहाँ पर नहीं आ इतना बता पाऊँगी, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका पूरा मटेरियल जाने वाला है। देख के आप लोगों का मन तो पूरा खुश हो जाने वाला है। इसके साथ ही कल क्लास इतना स्मूथली हुआ और व्लॉग के हिसाब से, मतलब कि कल मैं बोल रही हूँ क्योंकि कल का व्लॉग है, आज क्या होने वाला है वो सब तो मैं स्कूल जाऊँगी, अभी मैं रात में बैठ के 2 बजे आवाज़ डाल रही हूँ, तो क्या क्या होगा सब कुछ आपको बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ बट मैं सोच रही हूँ कि वो वाला गाउन जो मेरा सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था ना, और मैंने 3-4 गाउन उसके भेजे भी थे, सबको पार्सल किया था यहाँ से, मैं सोच रही हूँ कि वही वाला गाउन मैं पहनूँ, क्योंकि एक मैं बाद में अपने लिए भी लेके आई थी फिर से, क्योंकि एक ऐसी कस्टमर थी ना जिनको कि एकदम चाहिए ही था वो वही गाउन, और मेरे ही साइज़ का था वो, वही चाहिए था उनको, तो मैं वो जल्दी में भेज तो दी थी और मेरे लिए ही नहीं था, ख़त्म हो चुका था, शॉप भी ख़त्म हो चुका था, बट फिर मैंने मंगवाए स्पेशली करके क्योंकि मुझे भी वो सूट बहुत पसंद आई थी। तो ऐसे करके मतलब किसी को ज़रूरत हो, किसी को कोई चीज़ ऐसी हो तो मैं उसमें पीछे नहीं हटती हूँ, मैं उसकी हेल्प कर दूँगी भले ही मुझे फिर उसके लिए दौड़ भाग करना पड़े। इसी तरह से मटेरियल्स भी हैं प्रॉपरली, यहाँ से क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ, सारी चीज़ें जो मैं ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करके रखी हूँ ना सामान, सब बैठे बैठे मिलने वाला है कोर्स वालों को। और बस आप लोगों को करना ये है कि प्रॉपरली सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे वैसे करते जाना है और बनाते जाना है। बहुत सारे मटेरियल्स भी लाने वाले हैं, कुछ चीज़ें भी हैं जो मेरे पास सभी मुझे लानी है, कुछ धागों में और भी वैरायटीज़ हैं वो सब भी लेके आने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मार्केट घूम घूम के ढूंढना है, तो वो सब चलेंगे करेंगे। और अब जिनके भी आएंगे कोर्स के चार्जेस, उनके में वो सारी चीज़ें भी जाएंगी जो हम लोग कल ढूंढने वाले हैं। कल तो बहुत सारा काम है, मतलब कि अनमोल के स्कूल में भी इन्विटेशन है, फंक्शन है नॉर्मली स्कूल में जैसे होता है वैसे फंक्शन में इन्विटेशन है, और फिर उसके बाद फिर हमें मेरी क्लासेस भी रहेंगी, और फिर उसके बाद फिर मुझे ज्वेलरीज भी भेजने हैं, और उसके अलावा मेरे सारे मटेरियल्स भी मुझे बहुत सारे लाने हैं। तो बाकी आप लोगों को कोई भी ज्वेलरी पसंद आ रही हो तो आप लोग लेने के लिए दिए हुए नंबर पर DM कर लीजिएगा, शॉर्ट्स में देती रहती हूँ। और आप सब दे रहे हो इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट, वो चाहे मेरी वीडियोज हो, चाहे मेरी ज्वेलरी हो, चाहे मेरे साथ क्लास करने में हो, हर जगह आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे समय में ऐसा समय आता है ना लाइफ में जब सब साथ छोड़ देते हैं, और साथ तो छोड़ना छोड़ो मतलब कि काम प्रॉब्लम मतलब होता है ना कि और बढ़ानी शुरू कर देते हैं, उसमें आप लोग दे रहे हो मेरा साथ, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह से साथ बनाए रखना और देते रहना, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ का और प्यार का। इसके साथ ही चलिए थोड़ा सा कुंदन नेकलेस सेट भी बना ले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुंदन वाली ज्वेलरीज, और ये आप लोगों को भी मैं सिखाने वाली हूँ सारी ज्वेलरीज, और मज़ा आने वाला है। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों को तो थैंक यू बोलूँगी, और जो लोग होना चाहते हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, और दिए हुए नंबर पर आप लोग DM कर लीजिएगा।
हर किसी के सवाल मुझसे यही होते हैं कि आप इतनी मेहनत, दो बच्चों के साथ इतनी मेहनत कैसे कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, मेरे साथ जब आप लोग ज्वेलरीज बनाना सीखोगे, करोगे ना, तो आप लोग भी ये कर पाओगे, कर सकते हो। क्योंकि ये पावर ना हमें हमारे अंदर, जब कोई क्रिएटिविटी आती है ना, कोई स्किल आता है ना, तो ये पावर हमें ना भगवान जी देते हैं, वो आपको भी देने वाले हैं जो लोग भी कर रहे हो कोर्स, इनके एक पावर ही है एक तरह से। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग भी ऐसे ही मस्त रहो, स्ट्रांग रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कितनी भी मेहनत करो, चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो ना, खुश रहो। और अगर कोई खुश है तो उसे खुश रहने दो, उसे देख के ना परेशान मत हो, है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।